बारिश होने से बहुत अच्छा मौसम हो गया, बाकी जो है ना उम्मीद करते हैं कि जो गर्मी का जोर है वो टूट जाएगा। पागल है तुम लोग इस पे जंपिंग में? और ठीक है, मुझे भी दुआएं दे। ये मटन लेग खा के उनके पेट खराब हो गया, एक्सप्रेशन चुपा रहा लड़का है, पता नहीं चला मगर पता चलेगा। गर्मी इतनी है और उसके ऊपर से बाइक जो है ना धूप में गड़ी करके चला गया। एक गोली सोने वाला कुछ नहीं, इसलिए दो गोलियां ले। हाँ ना, जरासीम जरा ज्यादा मरने वाले हैं, नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जहाँ वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में, और आज है रेनी डे कराची के अंदर। तो देखें जरा कैसे यहाँ पे बारिश बरसात हो रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है ना मेरे नन्हे नन्हे बच्चे, इनका दिल कर रहा है फुल कहाँ जाने का, नीचे जाने का। और कल भी ये जाके बीमार होकर आई थी, ऐसे ही बात है। ये पेट हाजने की वजह से बीमार हुई थी, कल इसने बहुत ज्यादा समोसा खा लिया था, मोटू बन गया। अच्छा, तो अभी ये चाह रहे हैं कि हम इनको बाहर जाने दें। तो गाइस मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और दिल कर रहा है कि हम बाहर जाएं, नहीं लाइट नहीं आई। और हमने आज इत्तेफाकन तौर पे किया हुआ था लॉन्ड्री डे, ये हमारे कपड़े गीले गीले लटके हुए हैं, बाकी जो है बारिश हो गई है। बारिश होने से बहुत अच्छा मौसम हो गया, बाकी जो है ना उम्मीद करते हैं कि जो गर्मी का जोर है वो टूट जाएगा। मीनवाइल गाइस अभी हम मामा को मनाने जाते हैं। क्या मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं मामा को? बाहर जाना है ना, बाहर जाना है ना, बीमार हो क्या ना। गाइस बताएं, गर्मियों की सर्दियों में, गर्मियों की बारिश में कोई बीमार होता है? हो जाता है, जब आप जो है ना जाके नहाएंगे उसके बाद घर आएंगे बीमार हो जाएंगे। घर आएंगे तो कपड़े बदल लेंगे, नहीं होंगे बीमार, पक्की बात है। हाँ पक्की बात है। गाइस तो बताएं, आप भी नहाते बारिश में? तो हमने नहाए। मैं कहाँ नहा रही हूँ, मैं तो घर में सुकून से खिड़की से बैठ के देख रही हूं। आपको तो ना बोला मैंने, गाइस को बोला। अच्छा चलो सही है, आप लोग चले जाओ, मगर सॉफ्टियाँ पहन के जानी है, खम्भों से दूर रहना है और फिसलने से बचना है, ठीक है। और बहन को भी ले जाओ, बहन का भी ख्याल करना, ठीक है। मोए मोए हाथ में नोटू पकड़ा है, नोटू नोटू पकड़ा है हाथ में, तो नोटू हमको दे दो या इसको जूस पिला दो? नहीं भाई, नोटू का भी कह दिया, हम झूला लेंगे। अबे साले, झूला लेने तो फिर नहीं जाना, मैं बता रही, झूला लेना तो फिर बिल्कुल नहीं जाओगे। क्यों? इसलिए कि झूले के ऊपर से आप लोग गिर सकते हो, चोट लग सकती है, और वैसे भी कीचड़ बना हुआ है, रस्सियां बंधी होती हैं। इधर दो, मैं नहीं जाने दे रही, फिर फ्लॉप है, कैंसिल है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, पैसे जमा करवाओ। नहीं भाई नहीं, पैसों का नहीं है। ए चुप्पे। तो गाइस इधर चेक करो, ये मैडम साहबा। हाँ जी, क्या आपने कुछ कहा? माशाल्लाह से बारिश चेक करो, सही तबाही की बारिश माशाल्लाह से हो रही है। क्या आए? और अभी माशाल्लाह से ठीक है, फिर भी काफी बारिश हो रही है, नहा रहे हम लोग, ठीक है। क्या हाँ नहीं समझे, नहीं ऊंचा बोलो, नहीं समझ आ रही मेरे को। झूला कहाँ झूलना? अबे अभी पार्क में थोड़ी के जाएंगे। हाँ जी मुझे तो बारिश रुकवा दी, पागल है तुम लोग इस पे जंपिंग में? हैं पागल हो गए, जंपिंग वाले झूले में गिरने का कोई इरादा नहीं, पागल हो गए। तो गाइस ये मैंने ना कोला सर पे लेने के लिए नहीं, ये कोला जो ठीक है मोबाइल को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये वाटर प्रूफ भी है, लेकिन ये ना हो गया इसका काम तमाम हो जाए। अच्छा किस्मत का पता ही होता जी। हाँ किधर जंपिंग वाले झूले पे डफर हो गई, बंद हो गया जंपिंग वाला झूला, इस समय कोई नहीं खुला होता ना, बंद है जंपिंग झूला। तो मैं ठीक है, तो गाइस मैं आपको ऊपर चलता हूँ मोबाइल वगैरह लेके, ये ना ऐसे पानी डाल दे और काम खराब हो जाए। तो वाटर प्रूफ हमारे चला, लेकिन कहते हैं ना जब बुरा टाइम चल रहा हो तो आप लोगों को ना फिर एहतियात करनी जरूरी होती है, ठीक है। अभी हम लोग घर पे चलते हैं। A few moments later. भाई जैसे कि आपको पता है रात के टाइम हमने ये पूरा लेग पीस ना बकरे का माशाल्लाह से खूब तरीके से खाया है, और अभी भी माशाल्लाह से ये देखो ये कम से कम एक के जी या डेढ़ के जी अभी भी होगा, ये खाया जा रहा है। हाँ। अभी हमारी जो ठीक है कामली बंदी है आज, उसकी भी माशाल्लाह किस्मत में आ गया, वो भी ये खाएगी। वैसे आपने से गोश्त भी दिया था? हाँ दिया। और माशाल्लाह से ठीक है उसका हिसाब यार, माशाल्लाह से जब वापसी आए ना हम लोग पंजाब, उसके बाद भी हमने सर शुक्र अल्लाह गोश्त दिया, लेकिन आज तो वो खाएगी कुछ स्पेशल। हाँ भाई मुझे बता, ये खाया कभी पहले तूने? ये बड़ा ऐसे नहीं, नहीं खाया, फर्स्ट टाइम खा रही है। चलो अल्लाह ताला ठहर के तेरे को भी कबूल मंजूर फरमाए, और हम भी ये फर्स्ट टाइम ही खा रहे हैं, ये सेकंड टाइम खा रही है, और ये जो टांग है पूरी ठीक है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ, इस वजह से चलो आज आप भी खा लो, ठीक है। ये किसकी है? ओह माशाल्लाह, चेक करो जी, ठीक है खाओ और मजे उठाओ, और खूब दुआएं दे अपनी बाजी को, खूब दुआएं, ठीक है। चलो अपनी बाजी को खूब दुआएं दे, और ठीक है मुझे भी दुआएं दे। आप लोग तो समझ गए होंगे ना, ठीक है। अदीदा नहीं समझी, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा चलो अभी गाइस ठीक है, तो भी खा, हम लोग भी खाते बिस्मिल्लाह करके। तो चलो ये ना जल्दी से खत्म ना कर दे मेरे होते हुए,
आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब, वीडियो बता दें, लाइक करो। मारो तो गाइस वेलकम बैक हो गया और गुड आफ्टरनून होगी, मॉर्निंग भी नहीं आफ्टरनून होगी। और अभी हम आए हैं बाहर, मैं और मेरा भाई आए हैं बाहर, और ब्लाउज साहब की तबीयत जो है ना ज़रा ख़राब हुई है, जिसकी वजह से हम लोग लेने आए हैं कुछ चीज़ें। उनका जो है ना मटन लेग खा के उनके पेट ख़राब हो गया, ठीक है। गर्मी इंतहाई शिद्दत की है जिसकी वजह से ना वो रास नहीं आया। तो अभी हम लोग दही वगैरह लेंगे, केले वगैरह लेंगे, मशर की औरतों की तरह हस्बैंड की खिदमत करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने भाई को बुलाया कि भाई आ तू और मेरे साथ चल, जाके हम जो है ना ज़रा चीज़ें वगैरह लेके आए मेरे बंदे के लिए, साथ में दवाइयाँ। अभी हम सबसे पहले चलते हैं दही लेते हैं, उसके बाद जो है ना चलते हैं बाकी चीज़ें लेने के लिए। और गर्मी इंतहाई लेवल की है, बारिश होती है मगर बारिश का बिल्कुल कोई असर नहीं है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही है। Meanwhile, ये लो जी पैसे पकड़ो, पाव पाव के दो जगह दही ले आना, और इसके अलावा क्या लेकर आना, ब्रेड भी जरूर लेके आना, ठीक है। जल्दी से जाओ, तो भाई को हम लोगों ने किया रवाना ताकि वो जाके परचेज करके लेके आए दही और साथ में ब्रेड। ब्रेड से बच्चों को नाश्ता करवा देंगे, और दही जो है ना ब्लाल साहब के लिए बेस्ट हो जाएगा, अल्लाह करे मिल जाए। इनकी दुकान से ना दूध दही जबरदस्त मिल जाता है, तो हम लोग जो है ना यहीं से परचेज करते हैं। अच्छा गाइस, अभी हम लोग गर्मी मिटाने के लिए हम लोग पी रहे हैं लस्सी, ठंडी ठंडी मीठी मीठी लस्सी है। वैसे तो मैं ब्लाल साहब के साथ आती हूँ, तो फिर हम लोग लस्सी इंजॉय करते हैं, अगले बाद नहीं आज जो है ना भाई के साथ हम लोग लस्सी पी रहे हैं, ठीक है। तो सुना मज़ा आ रहा है, और हमने भी कोई नाश्ता नहीं किया, और सबसे पहले जो है ना लस्सी का ग्लास ले रहे हैं। पता नहीं मेरी भी तबीयत खराब ना हो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओ बिड़ू मैं क्या कह रही हूँ, अल्लाह के बंदे तू छांव में बाइक नहीं खड़ी कर सकता था, है धूप में खड़ी करके चला गया। ये देखो बंदा उधर कर देता है, देखो छांव है यार, अब देखो पता चला कुछ एक्सप्रेशन छुपा रहा है लड़का है, पता नहीं चला मगर पता चलेगा। गर्मी इतनी है और उसके ऊपर से बाइक जाना धूप में खड़ी करके चला गया। तो गाइस लस्सी भी है मगर लस्सी में ऐसी कमी लग रही थी, बर्फ इंतहाई टूट गया उन्होंने भरी हुई थी, इसकी वजह से खोपड़ी जम गई है। मैं तो आधी जो है ना वो लस्सी का ग्लास भाई के हवाले कर दिया। ये केले मजे के नहीं है तुम्हारे भाई के, बोलेंगे केले अच्छे नहीं लेकर आए, अच्छे से केले लें, सही से केले, ठीक है। फिर लेकर चलते हैं घर की ओर, घर की ओर नहीं मेडिकल स्टोर की ओर, क्योंकि अभी दवाइयाँ भी लेने हैं हम खुद से, आज जो है ना वो डॉक्टर बनेंगे। हाँ चलना मोड़ेगा तो देखना, यहाँ पे तो रश के। और कराची में थोड़ा सा बारिश होती है, और ये देखो सैलाब आएगा, मगर गर्मी नहीं चलती। मीनवाइल ये वाला नहीं, हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, जरा केला एक दर्जन ले लेते हैं हम, पैसे निकाले 140 लगाए, ये ले 40 है, देखो ये देखें कितने पूरे 40, ये लो अच्छा लग रहा। तो गाइस केले शक्ल के लिहाज से तो अच्छे मिल गए हैं, और पता नहीं ब्लास अभी ये ना बोलेंगे भैया महंगे महंगे लेके आइए, मैं ज़्यादा बार्गेनिंग करती नहीं हूँ आप लोगों को पता है। तो अब जो है ना हम लोग लेते हैं यहाँ से शक्कर लेनी है और टिशू पेपर लेना है, क्योंकि वो चीज़ें साफ़ करने के काम आता है। तो गाइस अभी हम लोग शक्कर की तलाश में यहाँ पे आएंगे, ब्लास साहब ने फरमाइश की है कि भाई हम लोग जो है ना दही के ऊपर शक्कर डाल के खाएंगे, तो मैंने भाई को रवाना किया कि भैया आप जाके शक्कर ले, और हम जो है ना यहाँ पे सन बाथ लेते हैं, ठीक है। सूरज के साथ अपनी शक्ल दिखाते हैं, रंग काला करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा किस्म की जो है ना गर्मी पड़ रही है, और भाई साहब जो है ना वो शक्कर लेने गए हैं, और हम लोग जो है ना बाकी चीज़ें लेके यहाँ पे खड़े हैं। टिशू पेपर हमें मिल गए हैं और बाकी चीज़ें मिल गई हैं, अब बस लेना ही है मेडिसिन लेंगे और उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। Few inches later. हाँ जी, अभी आप जाओ मेडिकल स्टोर पे, जाकर क्या लेकर आना है आपने, मोटिलियम की गोली और फ्लैजियल, और साथ में जो है ना ORS और एक बोतल पानी की, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ पानी की बोतल, ORS और फ्लैजियल और मोटिलियम रटाना पड़ेगा क्या। तो गाइस भाई को भेजे हम लोगों ने जाकर, वो लेकर आए गोलियाँ छोड़ियाँ। अभी हम फिर से एक दफ़ा धूप सेकने के लिए खड़े हो गए हैं, ठीक है। धूप कमाल की और गर्मी भी कमाल की, रोज़ बारिश होती है मगर बारिश का कोई हिसाब किताब नहीं आता, इधर गई कोई हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा, देखो धूप डायरेक्ट फेस पे पड़ रही है। तो अभी चलते हैं सीधा घर और सुख की सांस लेते हैं। Meanwhile, 100 रुपये की बर्फ़ कर दें, बर्फ हमने आज डालनी है कूलर के अंदर, ठीक है। कूलर के अंदर डालेंगे और ठंडी ठंडी हवा लेंगे। अच्छा 100 रुपये की बर्फ़ हमने ली है, मैंने तो सोचा था बहुत ज़्यादा आएगी बर्फ़, यकीन कर रहे हो तो दो छोटे छोटे कोले से हैं, महंगाई होगी। यहाँ से पता चल रहा है कि बर्फ़ के ऊपर भी महंगाई का असर पड़ा है भाई, हाँ 20 रुपये में इतने मिल जाते थे मगर अभी 100 रुपये में ही हमें दो छोटे छोटे मिले। मैं तो सोचा था बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएँ आएंगी, कूलर में हम लोग डालेंगे बहुत मज़ा आने वाला है, मगर नहीं, यहाँ पर चुनी चुनी बर्फ़ें आई हैं, तो पानी वाले कूलर को ठंडा करने बड़ी बात है। मैं क्या कह रही हूँ भाई, नो लिफ्ट करते हुए चलाया जा रहा है, बाइक चलाया जा रहा है, इसको देर हो रही है, अपने काम पे भी जाना है, कोई जल्दी जल्दी चलाओ घर की तरफ चलें, जाकर जाना फिर इन सबको खाना शाना खिलाएं, उनको जाना बुलाएं, काम वालों को काम पे बगाएं, और ब्लाउज आपकी दिमागदारी करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करना, ठीक है। Okay. तो गाइस वेलकम बैक होम, अभी जो है ना हम सबसे पहले बर्फों का इंतजाम करेंगे, हटो जल्दी खोलो इसको। तो गाइस यहाँ पे हम लोग डालेंगे बर्फ के अंदर, जल्दी खोल लो यार, पुरानी बर्फें निकालो, नई बर्फ को डालो, और हम लोग जो है ना उसको ठंडा करने के लिए हमें डाला, जल्दी पकड़ो, ये लो
ये जाके इसकी जो है ना इसकी ये वाला मटेरियल जाके रखो, जल्दी करो उठाओ, अभी हम लोग बर्फ को डाल देना ठंडा ठंडा होगा। बाबा को बोला इस कमरे में आ जाए। A few moments later. So guys, अभी हम लोग जो है ना मरीज का खाना तैयार करने लगे हैं, जिसमें हमने दही लिया है। दही के अंदर हम इस पर गोल डालेंगे जरा सा, ठीक है, और इसके अंदर डालेंगे हम शक्कर। शक्कर अभी जो है ना बॉक्स में डालने का टाइम नहीं मुझे मिल रहा, क्योंकि मैंने सबसे पहले लास्ट आपको खाना देना है, क्योंकि सुबह कहीं इसी तरह बैठे हुए कुछ खाया हुआ नहीं है। और ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो है ना बीमारों का खाना। अंसारी के पास से शक्कर लो, तो इस तरह की जड़ी बूटियाँ वैसे ही आपको बीच में डली में मिलती हैं, ठीक है। ये ग्लास आपका खाना हो गया, अभी हम इनको लेके जाकर देते हैं कि भाई आप खाएं और जल्दी से ठीक हो जाएं, ठीक है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलते हैं। मरीज हमारा ज़रा चिड़चिड़ा हुआ है, अंदर मुँह खुला के बैठा हुआ है, तो करते हैं अस्सलाम वालेकुम। लाइटें शाइटें ऑन कर लें ज़रा हम इस कमरे की, ऐसे नज़र आए ना आपको बिलाल साहब कहाँ पड़े हुए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केड़ा जी, गुड आफ्टरनून हो गया। ये नहीं, आपकी मश्करी बीवी आपके लिए लेकर आई है, उठे। गाइस मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं गाइस को लेटा हुआ सलाम नहीं चाहिए, उठ के जरा आप बैठ के करें, इतने भी आप बीमार नहीं है, जल्दी से उठ जाएं। आपके चक्कर में हम कहां लूर लूर हो रहे हैं सुबह से। लेकर आए हैं क्या, दही, दही के अंदर शक्कर, शक्कर के अंदर वो क्या कहते हैं, वो क्या होती है गाइस, इस पगोल की भूसी, ठीक है। तो ये आप खाएं, इंजॉय करें, ठीक है, कहीं मिलेगी आपको ऐसी बेगम है। हाँ तो अभी ऐसे ऐसे करो ना, जो मस्ती में इशारे करते हैं, दो चाहिए करके बताओ जरा, देख लो बंदे का जीव भी नहीं हो। तो गाइस चलो भाई को रवाना करते हैं हम, उससे पहले उसको खाना वाना डाल के देते हैं। रस्ते में से मैंने लोगों के लिए बिरयानी खरीदी थी, क्योंकि भाई ब्लास साहब का पेट खराब है, हमारा तो पेट खराब नहीं है। तो मैंने सोचा पहले ब्रेड बना के दूँ, मैंने कहा यार सारा दिन ब्रेड के ऊपर कैसे गुजारा चलेगा हमारा। तो अभी हम बड़ी बड़ी प्लेटें लेते हैं, भाई ने भी अपने काम पर जाना है, उसको मैंने बेचारे को सुबह का टांगा हुआ है, उठ जा रहे हैं भिड़ू। चलो तो इसको मैं खाना डाल के देती हूँ और आप लोगों से करते हैं बाद में बात, सही है। खाना छाना खा के, बिरयानी खा के, तब तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी कर देना। 2000 years later. So guys, welcome back. और अभी मरीजों की दवाई का टाइम हो गया है, मरीजों को दवाई खिलाएं और तंदुरुस्त करें, इनको काम पे भेजें, छेजें पाटे का कमा के लाएं। ये लोग क्यों जी, सही कह रहे हैं ना लेडीज, तो हस्बैंड साहब जो बीमार होते हैं ना, तो ये देखो जरा, ये तो कुछ ज्यादा बीमार हो गए। 50 रुपए काटो इसकी ओवर एक्टिंग के। तो चलो भाई उठो, हाथ पकड़ाओ हमें, हाथ पकड़ाओ, हाथ पकड़ाओ, ये बोतल में आपका ओवर ऐसे उठ जाओ। मैं गिरूंगी कि आप गिरेंगे, मैं जाऊंगी पीछे। हाथ करो, अपनी दवाई ले लो, एक गोली से होने वाला कुछ नहीं, इसलिए दो गोलियां ले लो। हाँ ना, जरासीम जरा ज्यादा है, मरने वाले हैं नहीं, है ना, ऐसी बात है ना बाबा। ये क्या, ये और ऐसे ऐसे मुंह ना बनाओ जैसे तुम्हारे बच्चे बनाते, देखो जरा। वो बात नहीं, मुझे बता के तो देती, मैं ऐसे पानी का अपना माइंड बनाया हुआ था और ये और निकला है यार, सही है। ये देखो जरा, ये तो चुच्चे से काके बन गए, मतलब कि मैंने तो माइंड उसका बनाया हुआ था, मतलब हद है यार, आपको और ऐसे इतना मजे का टेस्ट होता है, कम से कम आप पी सकते हो, ये क्या बात हुई है कि आपको नहीं मजे का लगा। सीन कुछ ऐसे है, देखो मैं ना डीके जब बीमार पड़ता हूँ तो पता नहीं, तो फुल अपनी जनानी को तंग करता हूँ ऐसे, बिल्कुल मेरी बॉडी से ठीक है, बिल्कुल ऐसे ना नाजुक कंडीशन हो जाती है बॉडी में, ऐसे दर्द हो रहा है मेरे को टांगों में, ये दर्द हो रहा है, बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे ना शायद मैं थोड़ा वो है तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी बॉडी जो है ठीक है, थोड़ी मम्मी डैडी बाल होगी, क्योंकि जल्दी बीमार हो जाती है। वैसे नहीं मम्मी डैडी बाल, वैसे तो मैं पंजाबी पोत्र हूँ। हाँ बस पंजाबी पोत्र को बेगम मिली हुई है, उसको तंग कर लो आप, उसको बोलो यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, आए आए आए। तो गाइस हम इनकी आए आए सुनते हैं और आप इनके लिए दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, कल ही ठीक हो जाए, ठीक है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर, एंड हिसाब लगाओ मेरे फेस को, कितना पसीना आया, गर्मी कितनी, डेली जो है ना बारिश हो जाती है और डेली जो है ना वो गर्मी मैं सिरे से पड़ जाती हूँ। सो गाइस अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको कीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा।